वेलकम फ्रेंड्स, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का यूज देखेंगे। एल्स इफ लैडर को यूज करके हम नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कुछ इस तरह से होगी कि मान लीजिए यूजर कोई नंबर एंटर कर रहा है, वो नंबर 1 से लेके 3 के बीच में एंटर करेगा। अगर वो नंबर 1 एंटर करता है तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, यूजर एंटर्ड वैल्यू 1। अगर वो 2 करता है तो क्या मैसेज आएगा कि यूजर एंटर्ड वैल्यू 2। अगर 3 करता है तो यूजर एंटर वैल्यू 3 मैसेज वो प्रिंट करवाएगा। अगर मान लीजिए यूजर इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर प्रिंट नहीं करता है, मान लीजिए वो 4, 7, 8 कोई और नंबर प्रेस करता है, तो वहां पे हमारा एरर मैसेज शो होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं मेन में जाके। सबसे पहले इसकी कोडिंग में मैं राइट लाइन मेथड को यूज करूंगी। अपने आउटपुट स्क्रीन पर एक सिंपल कोई भी मैसेज जो मैंने प्रिंट करवाना है, मान लीजिए मैंने मैसेज को प्रिंट करवाना है प्लीज एंटर्ड योर नंबर। मान लीजिए ये मैसेज मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ बिटवीन 1, 2, 3, कि मैं 1 से लेके 3 के बीच में अपने नंबर्स को एंटर करवाना चाहती हूँ। अब जो मेरा यूजर है वो ये 3 नंबर्स एंटर करेगा, तो उसे स्टोर करवाने के लिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने n वेरिएबल लिया, देन इज इक्वल टू कंसोल और देन डॉट रीडलाइन मेथड का यूज करूंगी, चूंकि ये मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। अब क्या है, नंबर्स है जो इंटीजर टाइप के हैं, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत है, यानी मैं स्ट्रिंग को इंट में चेंज करूंगी। तो मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया n1 इज इक्वल टू, देन उसे मैं चेंज करूंगी। तो चेंज करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, पार्स मेथड, और यहाँ पे मैं वो वेरिएबल पास कर दूंगी n जिसको मैंने चेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्स मेथड का यूज है इसको हम कन्वर्जन के लिए करते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन लगाऊंगी। मान लीजिए मैंने कंडीशन लगाई n1 देन थोड़ी सी स्पेस देके डबल इज इक्वल टू 1। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो मेरा क्या मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन पर, मैं वो यहाँ पे टाइप करूंगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा यूजर एंटर्ड 1। उसके बाद मैं फिर से अपनी else if में कंडीशन दूंगी। मान लीजिए मैंने दे दिया n1 डबल इज इक्वल टू 2। उसके बाद मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड का यूज किया। यहाँ मैं फिर से टाइप कर लेती हूँ, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ। मान लीजिए यूजर एंटर्ड 2, ये मेरा मैसेज है। उसके बाद फिर से मेरी जो थर्ड कंडीशन है उसे मैं टाइप करूँगी। मान लीजिए n1 डबल इक्वल टू 3 और उसके बाद फिर से मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के लिए जो ये मेरा मैसेज है इसको मैं प्रिंट करवाऊंगी। मान लीजिए मैंने कर दिया यूजर एंटर्ड 3 कोई भी मैसेज ये। अब क्या है कि मान लीजिए यूजर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता, तो उसके बाद मेरा क्या है, एल्स पार्ट वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं एक और मैसेज टाइप कर देती हूँ, मैंने ये कंसोल डॉट फिर से राइट लाइन मेथड, उसके बाद फिर से मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे जो ये मैसेज है प्लीज एंटर करेक्ट नंबर, ये वाला मैसेज अब मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो चलिए अब हम इसे रन करके देख लेते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो प्लीज एंटर योर नंबर बिटवीन 1 टू 3। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए अब मैंने 3 एंटर करा तो यूजर एंटर 3, ये मेरी आउटपुट शो हो चुकी है। मान लीजिए मैं इसे फिर से डिबग करती हूँ, मैं यहाँ पे पहले मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसे फिर से सेव करके चेंजेस करें हैं, तो इसको मैंने डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 एंटर किया,
तो ये आउटपुट आ चुकी है। तो इस तरह अपने आज के इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम एल्स इफ लैडर का यूज़ करके किस तरह से अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।